देखो इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ उस टाइम पीरियड पे बाउंड्री तो डिसाइड कर दी गई, बट जो दूसरी चीजें हैं जैसे कि एसेट्स हो गए, एम्प्लॉई हो गए और मनी हो गई, उसका जो डिवाइडेशन था वो किस तरीके से हुआ, आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैश की। जब इंडिपेंडेंट हमें मिली तो उस टाइम पे आरबीआई के पास थे 400 CR यानी 400 करोड़ रुपए, जिसमें से 75 करोड़ रुपीस दे दिए गए पाकिस्तान। बट क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर लिया था कश्मीर को, तो वल्लभ भाई पटेल ने 20 CR देने के बाद बाकी का फंड रोक लिया। बाद में इस जो डिसीजन था उसको रिव्यू किया गया और फिर बाद में पूरा फंड रिलीज। मूवेबल जो भी एसेट्स थे उसको 80-20 रेशो में डिवाइड किया गया, यानी इंडिया के पास 80% और बाकी 20% पाकिस्तान के पास। आरबीआई जो है हमारा वो एक साल के लिए इंडिया और पाकिस्तान दोनों का ही सेंट्रल बैंक रहा। अब गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज थे उनको कैसे डिवाइड किया जाए, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनको ऑप्शन दिया गया, इफ दे वांट टू लिव इन पाकिस्तान, अगर वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो वहां जा सकते हैं, और इंडिया के साथ आना चाहें तो वहां आ सकते हैं। बट डिफेंस फोर्सेस को ये ऑप्शन नहीं दिया। टोटल जो अनडिवाइडेड इंडिया था उसके अंदर 4 लाख सोल्जर थे, जिसमें से 2.6 लाख इंडिया के अंडर में आए और 1.4 लाख आए पाकिस्तान के अंडर में।